आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बंद गोभी के क्रिस्पी से क्रंची से पकौड़ों की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं अपनी मेन रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बंद गोभी, मैंने ली है एक फूल। इसके थोड़ा से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है और जो बाकी थी उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको भी स्लाइसेस में काट लिया है। नमक हसबे ज़रूरत, सुरख सॉरी सब्ज मिर्च दो दर्जन मैंने बारीक काट ली है। अनारदाना 1 चम्मच, इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। कूटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, बेसन 1 प्याली ली है और सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच लिया है। अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल लेंगे, इसके अंदर अपनी वेजिटेबल डालेंगे, सब्ज मिर्च, सुरख मिर्च, अनारदाना, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, बेसन, एक चम्मच नमक डालकर पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना, पतला हो जाएगा। और हम इसमें बेसन भी थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी बनाना है। अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा बेसन ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको इतना ही पतला करना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। आपने इसकी फौरन साइड चेंज नहीं करनी, जब एक साइड से जो पक जाए तब साइड चेंज करनी है। अगर आप फौरन साइड चेंज कर देंगे तो जो सारी सब्जियां होंगी वो ऑयल में बिखर जाएंगी। हमारे एक तरफ से अच्छे से हो गए हैं, अब दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेंगे। पकौड़े दोनों साइडों से फ्राई हो गए, अब इसको निकाल लेते हैं। पकौड़े तैयार हो गए हैं, मैं आपको तोड़कर दिखाते हैं। देखें कितने क्रिस्पी से बने हैं। आप इसको किसी भी केचप या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।